गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना होम टूर। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना ससुराल होम टूर। हाँ जी, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपने ससुराल के घर, मेरा ससुराल कैसा है, कहाँ पे है, कैसा दिखता है, ये सारी चीजें आज मैं आप लोगों को अपनी इस वीडियो में दिखाऊंगी। आई होप आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगेगी। गाइस, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तभी आप लोगों को पता चलेगा मेरा ससुराल है कैसा। तो आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, ये है मेरा ससुराल का घर और कुछ इस तरीके से है मेरा ससुराल का घर। आप लोग देख सकते हैं घर थोड़ा मैसी हो रखा है, क्योंकि हम आए थे तो ये कपड़े उपड़े हमने सुखा रखे हैं थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे कपड़े लेट सूखते हैं, इसलिए हमने धोके कपड़े सुबह ही धोके कपड़े डाल दिए सुखाने के लिए। तो इस तरीके का है। कुछ कमरे यहाँ नीचे हैं, आप लोग देख सकते हैं, तीन कमरे हैं यहाँ नीचे हमारे, सिंगल कमरे हैं यहाँ पे भी, मतलब देवर लोग रहते हैं हमारे गांव के जो भी देवर हैं। और यहाँ पे हमारा बाथरूम है, आप लोग देख सकते हैं, ये इंग्लिश सीटर बाथरूम है और ये इंडियन सीटर बाथरूम है, और यहाँ पे नहाने का है। तो बाथरूम तो आप लोगों को दिखाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो चलिए अब मैं आप लोगों को ऊपर दिखाती हूँ दूसरे मंजिल में क्या है और कौन कौन रहता है। यही हमारे घर के सामने ऐसा व्यू है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत प्यारा व्यू है। ये आगे जो आप लोगों को दिख रहे हैं, ये खेत हैं यहाँ के। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, मतलब गेहूँ, अगर धान गेहूँ कुछ भी बोते हैं, काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये सामने पे आप खेत देख सकते हैं, और वो सामने गांव पड़ते हैं, नगरासू, चौकी और पता नहीं कौन कौन से, मुझे इतना पता नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये सामने गांव पड़ते। साथ में आप लोग देख लीजिए, वो सामने पर जो दिख रहा है वो वहाँ पर मंगेरा है, मतलब पानी भरने का है हमारा, तो वो सामने पर हमारा मंगेरा है। सो फाइनली गाइज, ये है हमारा ऊपर का घर जो मैंने आप लोगों को दिखाया। थोड़ी देर में मैं आप लोगों को अपना पुराना घर, यानी कि पहले वाला घर दिखाऊंगी। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वाला घर काफी ज्यादा पसंद आया होगा। इस घर के सामने साइड में, मतलब लेफ्ट साइड में ऐसा है, यहाँ से ही सीढ़ियां हैं ऊपर जाने की, और जो ये रास्ता है, ये रास्ता जाता है सीधा, ये यहाँ पे सड़क है उस पे, मतलब हम लोग जब आए तो हम लोग वहीं पे उतरते हैं और वहां से नीचे पैदल आके यहाँ आते हैं। सो गाइज, ये तो था मेरा दूसरा घर, लेकिन मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी मेरा पहला घर, मतलब यानी कि जहाँ मेरे सास ससुर लोग पहले रहे, वहां पे भी अभी चाचा जी रहते हैं, यानी कि मेरे पापा जी के भाई रहते हैं, तो वहाँ का भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभी इस वीडियो में। तो चलिए आप लोग वहाँ का व्यू भी देख लीजिए कैसे वहाँ पर। सो ये हमारी छोटी चाची जी, आप लोग मिल लीजिए इनसे। हाय। तो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ अपने नीचे वाले घर में, तो चलिए। आप लोग सोच रहे होंगे मैं ये पल्लू वल्लू रख दिया मैंने, हाँ, क्योंकि आप लोगों को पता होगा ही ससुराल में, गांव में पल्लू रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, अदरवाइज लोगों को बुरा लग जाता है, इसीलिए पल्लू रखा हुआ है। लग रही हूँ ना संस्कारी बहू। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ अब नीचे का घर, बस ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं पे है, थोड़ा सा फासला है। आइए देखिए आप लोग की टेस्टी होती है, तो इतना ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। सो ये है मेरा सेकंड घर, मतलब हमारा पुराना घर ये है। तो आइए देखते हैं वहाँ का व्यू भी। रुको। सो वो है मेरे हस्बैंड, पूजा करने गए थे ऊपर,
सो गाइस मैं अपने नीचे वाले घर में आ चुकी हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मम्मी जी और मेरे हस्बैंड खड़े हो रखे हैं और मेरे हस्बैंड चाय की ग्लास लेके चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। तो ये है हमारा नीचे का घर। मैं आप लोगों को अंदर के कमरे नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे चाचा ससुर थे तो मैं नहीं दिखा पाई। आप लोग ऐसे ही देख लीजिए, ये हमारे यहाँ पे तीन कमरे हैं। एक कमरा आप लोग ये देख सकते हैं और दूसरा ये, और ये साइड में हमारा तीसरा कमरा है। और इधर जो ये गैलरी है ये हमारे किचन की तरफ को जाती है और ये हमारा पुराना घर है जहाँ पे मतलब मेरी दादी सास रहती थी। तो अभी जहाँ मेरी दादी सास रहती थी वहां पे आप लोग देख सकते हैं इन्होंने इस तरीके से मतलब कि मेरे चाचा ससुर लोगों ने यहाँ पे स्टोर रूम बनाया हुआ है। यहाँ पे जो भी चीजें हैं आप लोग देख सकते हैं, पेठा वगैरह इन्होंने रखे हुए हैं। और ये साइड में जो आप लोग देख रहे हैं ये है हमारा किचन। गांव में मतलब आग जलाते हैं तो वो वाला किचन है ये। और ये मेरी छोटी चाची, ये मेरी बड़ी चाची सास आप लोग देख सकते हैं किचन में बैठी हुई है। और यही साइड में जाके हमारा गौशाला है और बाथरूम है। तो अब मैं जा रही हूँ ऊपर क्योंकि जो हमारा ये घर है ये दो मंजिला यानी कि इसमें दो फ्लोर हैं। तो अभी मैं ऊपर जा रही हूँ, तो मैं ऊपर आ चुकी हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ हमारे जो मतलब सेकंड फ्लोर है वहाँ पे भी हमारे तीन कमरे हैं। ये तीनों कमरे बंद हुए हैं आप लोग देख सकते हैं। सो गाइस यही है हमारा नीचे का घर। हमारे टोटल यहाँ छह कमरे हैं, तीन नीचे और तीन ऊपर। लोग सामने पे देख सकते हैं गाइज हमारे घर के आगे ऐसा व्यू दिखता है। आप लोग देख सकते हैं बहुत प्यारा नजारा है, आप लोगों को भी देख के काफी अच्छा लग रहा होगा। और नीचे ये हमारी सासू माँ खड़ी हैं यानी कि हमारी मम्मी जी खड़ी हैं और आप सभी लोगों को हाय कर रही हैं। सो गाइस देखिए आप लोग व्यू देखिए, यहाँ का काफी ज्यादा अच्छा व्यू है, मुझे तो काफी पसंद है यहाँ का। सो गाइस यहाँ का व्यू देखिए, गढ़वाल में उत्तराखंड में जो हमारा घर का गांव का व्यू होता है काफी ज्यादा अच्छा होता है, अट्रैक्टिव होता है। दूसरे बंदे भी यहाँ आके काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। देख सकते हैं आप लोग, अगर आप लोग भी यहाँ आएंगे तो आप लोगों का मन भी यही होगा कि हम लोग यहीं रहें। काफी ज्यादा प्यारा है। और ये सामने पे आप लोग देख रहे हैं ये बद्रीनाथ रोड है, ये सामने पे यहाँ से बद्रीनाथ होके जाते हैं। और साथ ही साथ इन खेतों को खत्म होने के बाद यहाँ नीचे एक नदी है, अलकनंदा नदी है, जो कि अभी मैं दिखा नहीं सकती हूँ, काफ़ी ज़्यादा नीचे है और मैं वहाँ जाऊँगी नहीं, इसीलिए मैं यहीं से दिखा रही हूँ। और ये सामने पे हमारे गांव हैं, कुछ घर यहाँ पे हैं, तो कुछ घर वहाँ पे हैं पेड़ों के पीछे, यहाँ से दिख नहीं रहे हैं, कुछ घर वहाँ पे हैं। तो बस यही है, आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, फीलिंग आ रही होगी आप लोगों को भी वहाँ पे बैठ के कि हाँ हम भी गांव घूम रहे हैं। आई नो आप लोगों को आ रही होगी, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए इतनी अच्छी वीडियो लेके आई हूँ। अगर आप में से भी कोई उत्तराखंड से होगा तो उन लोगों को भी अपने घर की याद आ गई होगी इस वीडियो को देख के। अगर आई हो तो कमेंट्स ज़रूर करें। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, ये हमारा घर इतनी छोटा है, ये हमारे मतलब फैमिली मेम्बर परिवार के जो हैं उनका घर है, यहीं पर अटैच है ये भी। आप लोग देख सकते हैं हस्बैंड जी को अपना घर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, बोलते हैं ना अपना घर तो अपना घर होता है, उनका मन करता है बस यहीं रहें, गुड़गांव ना जाएं, खुश हो जाते हैं वो यहाँ आके। आप लोग देख सकते हैं उनके मुंह पे ये मुस्कुराहट। मैंने आप लोग, और ये हमारी चाची जी हैं, हाय हाय कैसे हो चाची जी, आप सभी लोगों को हाय कर रही है। ये हमारी बड़ी चाची जी हैं, कंचन तुम ठीक ठाक इंटरनेट। सो यही है मेरे ससुराल का व्यू, देख लो, देख सकते हैं आप लोग, ये ऊपर पहाड़ है, जंगल है, यहाँ घास को जाते हैं, मैं तो गई नहीं हूँ बट यहाँ घास को जाते हैं। मैंने और जो मैंने आपको अपना दूसरा घर दिखाया था वो सामने यहीं पे है, ज़्यादा दूर नहीं है, बस थोड़ा सा ही डिफरेंट है। तो ये आ चुकी हूँ मैं गौशाला में, ये है गौशाला, चाची लोगों की भैंस हैं, गाय भैंस रहते हैं यहाँ पे, मतलब हमारा पुराना गौशाला है, हम लोग तो रहते नहीं है तो गौशाला चाची लोग ही यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारी बहन कैसे इनको। सो गाइस ये है हमारा मंदिर, तो यहीं पे आके अभी हस्बैंड जी हमारे पूजा कर रहे थे,
तो आप लोग देख सकते हैं इसके सामने का जो व्यू है इस तरीके का है। इधर गधेरा है, इस साइड थोड़ा दूर तक गांव नहीं है, लेकिन ये साइड में आप लोग देख सकते हैं, धूप के कारण आपको दिख नहीं रहा होगा, इस साइड में यहाँ पे गांव पड़ता है, गांव का नाम तो मुझे पता नहीं है। तो देखिए आप, इस तरीके का व्यू गांव में रहता है। ये हमारा बाथरूम है और ये देखिए आप लोग, यहाँ पे ये खेती सारे हमारे खेत हैं। पहले पापा लोग बोलते थे यहाँ पे काफी ज्यादा सब्जी होती थी, लेकिन अब थोड़ा बंदरों के कारण, आप लोगों को पता है गांव में बंदरों का क्या हाल होता है, बंदर परेशान कर देते हैं, बंदरों के कारण कुछ होता नहीं है यहाँ पे। तो ये सारे यहाँ से लेके वहां तक हमारे खेत हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ज्यादा दूर हमारा घर है नहीं, सड़क से थोड़ा ही नीचे है। ये देखिए गाड़ी जा रही है यहाँ से, वो देख सकते हैं आप लोग, ज्यादा दूरी पे नहीं है, बस थोड़ा सा चल के ही आना है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये है मेरी ननद का लड़का और ये भी आप लोगों को हाई कर रहा है, थोड़ा झिझक रहा है बोलने में। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गांव की लेडीज भी आके मम्मी के साथ बात कर रही है और गढ़वाली लैंग्वेज में बोल रही हैं। आप सभी लोगों को हाय, आप लोगों को समझ नहीं आएगा इसलिए मैं आप तो गाइज आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो यानी कि मेरा ससुराल होम टूर काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो गाइज कल मैं जा रही हूँ अपने मायके, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ससुराल से मायके का कितना डिफरेंस है, यानी कि यहाँ से कितनी दूरी है मेरे मायके की। तो चलिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।